ना, ये बताइए आईएक्स में कल बड़ा ब्रेकआउट दिखा, वैशाली जी बताई गई थी, लेकिन मैं फॉलो अप ओपिनियन आपसे ले लूं, 5% के बाद आज भी 3%, इसका बॉटम बन गया है लग रहा है, आप ही क्या राय है, ऊपर में क्या दिखा सकता है भाव? जी अजय जी, इस स्टॉक में एक बहुत ज्यादा पेसिमिज्म हो गया था। आज जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया, मुझे वही वॉच कर रहा था कि 165 के लेवल को क्रॉस करता है नहीं। आज इसने वो एफर्टलेसली क्रॉस किया है, तो लग रहा है कि शायद इसने बॉटम तो बना दिया है। इमीडिएट टारगेट जो आ रहे हैं 175 के आ रहे हैं, वहां पे जाकर कुछ पॉज जरूर देखने को मिलता है। वहां पे पॉज आता है और रिट्रेस करता है वापस 160 के आसपास, तो फिर से वो री एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, 175 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हमने जैसे रेडा डिस्कस किया था, हरीश कुमार का सवाल है, इन्होंने आईएक्स खरीदा है 290 पर और एप्टस फाइनेंस जो है 1512 पर। आईएक्स में मानस बहुत सारे लोगों ने ऊपरी स्तरों पर खरीदा था जब इसकी एक बार बहुत बड़ी फैंसी चल रही थी, फिर बीच में खबर आई उसके बाद स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरा था। अभी फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखा है, लेकिन इनके प्राइस तो बहुत नीचे है। क्या लगता है इसमें, इनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब क्योंकि आप पहले निकले नहीं है और आपने जो गिरावट है वो पूरी देखी है, तो मेरे हिसाब से तो आप बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक 165 167 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है और उसके बाद स्टॉक पूरे क्रैक और रिट्रेस करेगा और उस केस में 230 240 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप मैं